देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल ते निशाने साधे ने। उन्हें अकाली दल के निवेश सम्मेलन से भी सवाल चुके ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने इल्जाम लाए ने कि 10 साल की सरकार के दौरान अकाली दल के कार्यकाल दे विच पंजाब च बेरोजगारी वधी है। एक सच तो सारयां नूं अवगत होना पौगा कि पिछले 10 साल और सब तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर छड्ड के सब तो वड्डा मुद्दा है कि पिछले 10 साल अनइंप्लॉयमेंट सब तो वधी है। अगर तुम सेंटर की सरकार देखो तो 45 साल सब तो वध अनइंप्लॉयमेंट अज है। ठीक है जी, दिल्ली च अनइंप्लॉयमेंट 5 गुणा वध गई है, 5 times इन द लास्ट 6 or 7 ईयरस। 26 लाख नौकरी पहला भी कोई कह गया तो हूँ भी कोई कहता पर्चियां सामभ के रखो। कोई बरोटा नहीं लगे जितों पट के नौकरियां देनिया ने, लख सामी इतों नहीं भरी गई। ये कारण ने जिन्हें मैं जाना नहीं चाहता, क्यों मैं पंजाब मॉडल दे लिए आया इतने। मैं मेयर साहब न आशू न फोन किया क्योंकि मेरा पंजाब मॉडल हूँ, पर मेरा नहीं है, एक कांग्रेस का पंजाब मॉडल है, राहुल जी का पंजाब मॉडल है, प्रियंका जी का पंजाब मॉडल है और साढ़े सारे का। इस बड़ी मेहनत लगी है, फाइनल स्टेजेस के उत्ते है। ये मैं क्यों कर रहा, यदा कारण समझा चाहना। आप परसों चौथे अकाली दल के प्रधान साहब आए थे, इतने गंदा बोलते हैं, कोई रौला नहीं, टू रोंग्स डू नॉट मेक वन राइट। मैं वो कुछ नहीं करूँगा, मैं तर्क से मारता क्योंकि कोई जवाब नहीं होता, इस करके वो बिलो द बेल्ट जाता है। चलो ओदी मर्जी, मैं एक गल कहनी है कि वो इत्थे आके बड़े लारे लूरे भी चीज़ां कह के गया। इनवेस्टमेंट समिट किया अकाली दल ने यह 2015 दे विच, ये नवे लारे है ना, शगूफे छुरलियाँ दे दना दन। 2015 दे विच इन्होंने इनवेस्टमेंट समिट किया। मैं अपनी सरकार नाल तुलना करूँ, 2015 दे इनवेस्टमेंट समिट दे विच 391 MOU साइन होए और इन्हें क्या 1,20,000 करोड़ स्टेट नूं आऊगा जी। कितना? 1,20,000 करोड़। ओ 391 चों सिर्फ 46 ने इनवेस्ट किया ते सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया है, मतलब 1,14,000 करोड़ रुपया आया ही नहीं है, आया ही नहीं। आया कि नहीं? आउट ऑफ 1,20,196.7 करोड़, 6 लाख सॉरी हाँ 6,650 करोड़ आया, 1,20,000 करोड़ चो 6,650 करोड़ रुपया, मतलब 5% भी नहीं आया धरा ते, 5% भी नहीं आया। 391 MOU साइन हुए, वो सिर्फ 46 कंपनियां ने इनवेस्ट किया। तो यह देख लो 000 किन्ने देख लो, देखो ये आप ही देख लो, 000 सब होर तो होर इन्हों के आपदे पांच बंदे अकाली दल देखते गिलको, एक NK शर्मा, एक वाहिद साहब, एक ट्राइडेंट वाले, हाँ जी एक कुलवंत, ये लोगों ने कहा कि असी 9,250 करोड़ रुपये इनवैसट करा, 0। हूँ जे थोड़े आपदे लीडर पांच थोनू कहते भी इनवैसटमेंट कर रहे हैं स्टेट के, उन्होंने 0 इनवैसटमेंट है, वह उन्होंने ही थोड़े भरोसा नहीं, तो तुम कि भरोसा क्रिएट कर रहे हो भाई। मेजर कंपनियां जिहड़ियां ने, चाहे GVK हो, DLF, रिलायंस, CVC, न्यूरोन, एक पाई नहीं इनवेस्ट की थी महाराज, एक पाई, चाहे न्यूरोन एक पाई, ते किन्नी प्रॉमिस की थी, किन्ने दे MOU साइन होए, इनू ध्यान ना सुनियो, किन्ने दे MOU साइन किए भाई, इन्हां वड्डियां कंपनियां 31,610 करोड़, 31,610 करोड़ टू इनक्रीज द नंबर ऑफ MOUs। मैं लगता 100-150 तो 0 वाले ने,
सिर्फ भी एम ओ यू बता दिए ये हवाई छुरलियां ऐ ही होंदा समझो मेरी गल दस लाख तो भी लाख आले वर्थ एम ओ यू जिहड़े सीगे ओह मैं लगदा 60 तो ज्यादा जीरो कहने का भाव की है और एडवर्टाइजमेंट के उत्ते खर्चा किया 5 करोड़ 5% इन्वेस्टमेंट नहीं आई हूँ तुम साड़ी सरकार ना कंपेयर कर लो 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गल की है वो चो 52% की कमर्शियल प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है पहला जमीन लेनी पैंती है फिर भाई फैक्ट्री लगती है फिर उदू बाद प्रोडक्टिविटी शुरू होंगी है फिर उस बाजार बिकन लगती है उदू कहने कमर्शियल प्रोडक्टिविटी 52% की कमर्शियल प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई है लेकिन असी इस तो बहुत अगे जाना भाई और सब तो वड्डा कारण अगे ना जाण दा सिंगल विंडो सिस्टम है मैं थोनू अज कह रहा आशू बैठा इतने होर बंदे बैठे मैं गरंटी दिना थोनू कि असी इन्ना क विश्वास पैदा कर देंगे ये पंजाब मॉडल इन्ना क विश्वास पैदा कर दूगा सिंगल विंडो सिस्टम उहदे च कानून भी असी पास किए हैं लेकिन वह हले धरा के उत्ते इंप्लीमेंट नहीं हुए इतने रुकते हैं छोटे जिहे ब्रेक के लिए ब्रेक तो बाद हम दसांगे कि नवजोत सिद्धू ने इन्वेस्टमेंट नूं लैके की बयान दिता है नवजोत सिंह सिद्धू ने संबोधन करदे हां कहा कि कांग्रेस की सरकार दे वल्लों 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गल की है उन्हां कहा कि कांग्रेस सरकार सिंगल विंडो लैके आ रही है पंजाब मॉडल के नाल लोगों च विश्वास वधे है तुहानूं मैं उन्हां कानूनां का नाम भी दस दिंदा अगर तुसीं वो नाम जानना चाहते हो उहदे च 2 कानून पास होए है इहनूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिंदे आ हाँ जी वो जिहड़े 2 कानून एक है जी राइट टू बिजनेस हाँ जी यह जे 2 कानून पास होए है मैं थोनू ओदी पूरी वो दे दिना मेरे को सारी पई है लेकिन वो क्यों नहीं हुंदा क्योंकि क्लीयरेंसिस लेनिया पैंदियां ने और यह साडा गेटवे टू सक्सैस है मैं थोनू अज दस दिना यह साडा गेटवे टू सक्सैस इस करके है कि कोई भी बंदा जदों बाहरों आउंदा और इहदे च मैं बहुत मतलब वड्डे रिवैम्प कर रहे हैं और वो असी सठे कठे सलाह करके फिर उन्हूं अगे अगे चाड़ांगे 13 तो 16 परमिशनां तो मिनिमम ने ते मैक्सिमम 33 परमिशनां ने अड्ड अड्ड डिपार्टमेंटां दीआं ने ये नहीं है भी एक डिपार्टमेंट दी हुण जदों डिपार्टमेंटां दी गल आउंदी है हरेक डिपार्टमेंट कहिंदा वी यार मेरी पावर किसे दूसरे कोल ना जावे मेरे कोल रहे ये चाहिए भी चीफ मिनिस्टर पोलीटल कुछ नहीं है सिंगल विंडो सिस्टम पोलीटल विल की गल है एक पोलीटल विल की गल है ये चाहिए भी भाई एक थान के उ चीफ मिनिस्टर हरेक डिपार्टमेंट का एक बंदा डिप्यूट करे चाहे एक बंदा जो सब ना कोआर्डिनेट करके उतों सीधी परमिशन दवाए असी तो एक स्टैप होर अगे जावे और मैं थोड़ा अगाह करना चाहना कि इस तो बिना असं आवेंगे नहीं लोगों असी डिजिटल पोर्टल खोलांगे वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप जिदे च बंदा घरे बैठ के ये परमिशन लै सके मैं थोनू छोटा जिहा उदाहरण दिना जदों 2007 च ना ही सरकार बना के मैं 272 रैलियां कीतियां उदों ये साहब जिहड़े ने अज प्रधान ने इह ते घरे बैठे होंदे सी ठीक है उदों एक मेरा दोस्त और मैं थोनू सुनाउणा चाहुंदा है एक दोस्त मेरा अमेरिका तो आया वो कहिंदा सिद्धू साहब मैं मेरा यार सी बहुत खरबापति आदमी कहिंदा जी मैं करीब 4 to 5 हज़ार करोड़ रुपया सोलर एनर्जी चलाना चाहुंदा इत्थे ते मैं एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहुंदा 400-500 करोड़ का ते मैं मैनूं तुसीं भेजो मैं इन्हां नाल गल कीती मैं इन्हां नूं भेजिया इन्हां कोल 2 महीनों बाद मेरे कोल आया साफा गल च पाया हो सी आंदा सिद्धू साहब जे मैं 200 दा इन्वेस्टमेंट करन नूं कहिंदा कहिंदा 100 पहलां मंगदे आ अफसर रखे है मैं ना नहीं लेना चाहता कहदा मैं क्या यार 2007 यार तू रोटी चोची थोड़ा कहना 2007 दे विच किहदी सरकार सी जी मतलब थोनू पता होगा भी मैं नवी सरकार बनाई जदों ओह ते ओह अफसर रखे स्पैशल मैं ना नहीं लेना चाहता अफसरां दा कसूर नहीं हुंदा उह तां नचदे आ भाई उह तां जिद्दां पोलीटिकल बंदा कहू उह तां मैं क्या फिर कहिंदा महाराज मैं मेरे सारे जिहड़े जिन्ने जज्बात सी इस मातृभूमि लई इह ते इहनां ने पूछी फिरती कहना मैं किदा फीजिबल बनावा इनू मैं कोई गल
ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਗ ਹੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਗਿਆ, 50 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੈਨਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 60% ਚਲੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਗੈਪ ਕਰਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੌਜਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੂਮਾਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਜੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਜੇ ਤੇ ਜੁੰਮਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟਡ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੀਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿਓ 4,000 ਤੇ 4 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੌਨਕ੍ਰੀਟ ਪਲਾਨ ਦਊਂਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 50,000 ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦਾ, ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਦੋਂ 60 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਬਲ 'ਚ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣਾਤੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਣ ਆਇਆ ਉਹ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ 5 ਗੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ 20 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਓਇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਨ, ਕੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 25 ਗੁਣਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ 25 ਗੁਣਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ।
जब तक असी ये नहीं लेके आवांगे, वी हैव मूव्ड फार अहेड ऑफ द अकाली दल, बट इन द कमिंग टाइम्स असी इस तो बहुत अगे लंघ जाएंगे। मैं थोड़ा डिटेल दे विच इस चैप्टर दे उत्ते पूरा डिटेल दे विच थोड़ा मैं आई विल डिस्कलोज द प्लैन ऑफ द कांग्रेस, अ जॉइंट प्लैन ऑफ द कांग्रेस, सब नाल कंसल्टेशन करके चीफ मिनिस्टर नूं भा के साडे जनरल सैकटरी नाल गल करके तुहानूं एक ऐसा सॉलिड प्लैन दूंगा कि उस यूथ नूं और वो जिहड़ा बाहर बंदा खड़ा है उन्हूं भरोसा होगा। और उहदा एक एक लैग मैं थोड़ा दस रहा अज, जिहड़ी इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्टां दे विच सैटअप होई है वो चंडीगढ़ क्यों जावे पई? डीसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एग्जैक्टिव पावर है, अगर उन्हें आपकी इंडस्ट्री का कुछ भी वधाउणा घटाउणा है कोई परमिशन लेनी है तो उन्हें डीसी कोल रहना चाहिए। ये असी प्रोविजन रख रहे हैं कि किसी को खज्जल खराब होने की लोड़ नहीं, किसी को उत्थे चंडीगढ़ धक्के खाने की लोड़ नहीं। बेरोजगार नौजवानों को नवजोत सिंह सिद्धू ने की भरोसा दिता है दिखावांगे ब्रेक तो बाद। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब च नौजवानों के लिए रोजगार के मौके वधाए जाएंगे ताजो बेरोजगार नौजवानों को विदेशों का रुख ना करना पवे। CLU हो गए, होर चीजा हो गई, ये लोकल लैवल तय होने चाहिए। देर इज नो नीड फॉर समवन टू ट्रैवल टू चंडीगढ़ तो उत्थे बाहर खड़ के उसका कारण की है सब समझते समझ नहीं। लेकिन जिहड़ा बंदा बाहरों आवे उस बंदे दे मन च विश्वास होवे पंजाब दे प्रति। हुण जे तुसीं आपां कहीए कि जी सिंगल विंडो सिस्टम अज तय कर दीए तो डेढ़ महीने की सरकार दे उत्ते तो कोई भरोसा नहीं करके राजी ना। देर इज अ गवर्नमेंट बियॉन्ड 2022 मार्च, वो मार्च तो अगले 5 साल टारगेट करदा नवजोत सिद्धू। यही पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल नहीं कहना भी खजाना खाली है, वो कहना खजाना भरना ऐ है, नौकरी ऐ देनी है, इंपलॉयमेंट ऐ देनी है, तो ईज ऑफ बिजनेस ऐ करना है। ये सब तो बड़े मुद्दे है। महाराज खज्जल खराब किवें हुंदा व्यापारी, की उहदा हाल हुंदा, ये सब नूं पता है। लेकिन कोई सल्यूशन च नहीं जांदा, हर बंदा स्कीमां च लग्या। मैं कल केजरीवाल साहब नूं सवाल कीते सी, कोई जवाब आया? मैं क्या, देखो मेरी गल नूं सुनो, जदों जवाब आना हुंदा ना मित्रा, आ शाम नूं वजदी है ना इदां ते टक देने नाल दी नाल दूजे पासों आउंदा। देखो मेरी गल नूं सुनो, मैं जिहड़ी गल करदा तत्थां दे आधार ते करदा, फैक्ट्स एंड फिगर्स ते करदा, ते मैं तुहानूं चैलेंज करके कहना कि आने वाला जिहड़ा पंजाब मॉडल है वो यूथ नूं अपने पैरां ते खड़ा करेगा। जिहड़ा बाहर जा रहा है ओपरचुनिटीज करके, क्योंकि उत्थे ओपरचुनिटी है, इंपलॉयमेंट है, उन्हूं रोकांगे, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करांगे और इत्थे उन्हूं जॉब क्रिएटर बना देंगे, एंटरप्रेनर बना देंगे। यही पंजाब दे सोल्यूशन ने। और मैं थोड़ा धन्यवाद करदा सर, तुहानूं मैं देखो मैं तुहानूं इह कहा है कि मैं तुहानूं इहनूं अमली जामा पा के तुहाडे कोल पेश करूंगा। जे तो मैं उदों तुहाडे किसी सवाल का जवाब ना दे सकिया मैनूं जिम्मेवार मन्नियो। ठहरो हुण एक मिनट, उहीं आपां ताड़ कर दईए, उहदा कोई फायदा नहीं है। मैं तुहानूं की कहा कि मेरियां कंसल्टेटिव मीटिंग्स जिहड़ियां ने अमृतसर शुरू होई सी, दो उदों बाद होईआं सीगीआं, अज लुधियाणे, ठीक है जी, इदों बाद जलंधर भी जाऊँ, ठीक है, पटियाले भी जाऊँ, बड़ी थां ते हाहाकार है, जेन्युइन है। मैं तो कहना मैं तो पहले दिन तो इन्हां ते नहीं लड़दा, ठीक है। लेकिन तुसीं मैनूं अज ही कहो जी आह सवाल इहदा उत्तर दे दिओ जी, फलाना दे दिओ, ये कंसल्टेटिव इत्थे भी होऊ, ये कंसल्टेटिव विद इन द पार्टी भी होऊ। वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, वी आर अ सैकुलर पार्टी, वी विल कम टू अ कंकलूजन, वी विल गिव यू एन एजेंडा जिहड़ा तेरा तेरा तोले और पंजाब का भला कर सके। फिर लोगों का वो है कि वो ते विश्वास करता कि नहीं, फर्क इन्ना ही है कि एक मिनट नहीं मेरी गल सुन लैना। देखो अपने मेयर नूं बचाने लई जिहड़े बैठे आ उत्थे उन्हूं पुछो, हाए मेरा मेयर, हाए मेरा कित्थे ओ, जिहड़े कर्म जिद्दां दे बेचदा बंदा उदां दे ही उन्हूं फल कट्टणे पैंदे आ, गेट दे बाहर खड़ा रख्या
पैल तुर के गए, लिफ्ट भी बंद की, सामने काउंसलर चुके, ठीक है कि नहीं, सामने काउंसलर चुके, मेरा तो नहीं ओह, मैंने तो कहते दरवाजे बंद, देखो देख ठाकुर दरवाजा खुल गया। फिलहाल दे लई बस इन्ने ही, ते इस दे नाल ही देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई तुसीं देखदे रहो एबीपी सांझा।